हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसे फ़ोन के बारे में जिसने इस वक्त मार्केट में बहुत ही धूम मचा रखी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये फ़ोन, और ये है ओप्पो का रियलमी वन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा ये फ़ोन बिक रहा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस फ़ोन की। इसने रेडमी नोट 5 प्रो और एसस के जेनफोन मैक्स प्रो को कड़ी टक्कर दी है। ओप्पो ने इसे 3 वेरियंट में लॉन्च किया है। एक है 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल, एक है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल, एक है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल। तो आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इस फ़ोन के वो खास फीचर जो इसे बनाते हैं बाकी फ़ोन से बिल्कुल डिफरेंट। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा कैच है इसमें, इस फ़ोन की प्राइसिंग जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखी गई है। देखते हैं क्या इसकी प्राइसिंग है और क्या है इस फ़ोन के फीचर्स। फ्रेंड्स, मेरे पास जो मॉडल है इस वक्त वो है 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। तो देखते हैं इस डिब्बे के अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इसको बनाते हैं फ्लैगशिप किलर। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं इस कवर को पहले खोलता हूँ और ये इस कवर को मैंने ऐसे खोला। यहाँ पे मैं एक पैकेट पाता हूँ जिस पे Realme का लोगो लगा है। इस पैकेट को मैंने सामने से ऐसे हटाया तो यहाँ देखता हूँ मैं अपना फ़ोन। बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग में रखा है इस फ़ोन को ओप्पो ने। इस पैकेज को मैं ऐसे खोला और इसको फ़ोन को ऐसे निकालता हूँ तो देखिए ये रहा हमारा फ़ोन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन, एकदम प्रीमियम टच के साथ, प्रीमियम फीलिंग है इसमें इसको लेने में। ये मैंने इसको पीछे ऐसे किया तो आप देख सकते हैं डायमंड कट्स आपको दिख रहे होंगे थोड़े बहुत यहाँ पर साइड से। ये बहुत ही प्रीमियम क्लास का फ़ोन है। ये यहाँ पर इसका कैमरा है, यहाँ पर इसका फ्लैश है और ये इधर से इसको मैंने ऐसे किया। ये फ़िलहाल इस फ़ोन को साइड में रखते हैं, हम देखते हैं कि इनबॉक्स में और क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये मैं इसको इस पैकेट को खोलता हूँ तो यहाँ मैं दिखाऊँ कि यहाँ पे एक सिम ट्रे को खोलने के लिए एक की है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, संभाल कर रखिएगा इसको। और यहाँ मैं देखता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट कलर का बैक कवर दिया है रियलमी ने, जो कि इस फ़ोन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका बैक पैनल जो है थोड़ा सा स्लिपरी है तो इस कवर से उसको आप ग्रिप करने में बहुत आसानी होगी। और इसके हम कवर को हटाते हैं, देखते हैं यहाँ पे चार्जर है और यहाँ पे एक USB चार्जिंग का जो केबल है वो इसके साथ में है। तो आइए फ्रेंड्स, इस फ़ोन को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसको बाकी फ़ोन से डिफरेंट बनाता है। ये इधर बगल में जो बटन है साइड में, इससे मैंने इसको ऑन किया तो ये फ़ोन आपका आ गया रियल मी का लोगो, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स ओरियो है तो ये बहुत ही, देखते हैं कि किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ किया ओप्पो ने। इसमें कलर OS डाला है ओप्पो ने अपना खुद का जो उनका एक सॉफ्टवेयर है। और तब तक जब तक ये फ़ोन ऑन हो रहा है हम बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसका कैमरा जो है वो 13MP का कैमरा पीछे है विथ इट्स ओन फ्लैश और ये आगे एक 8MP का कैमरा है विथ इट्स ओन फ्लैश। तो कैमरा तो ओप्पो का वैसे भी बहुत बेहतरीन है। और ये फ़ोन ऑन हो गया है, इसमें मैंने ये लैंग्वेज सेलेक्ट की इंग्लिश, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरे आसपास के वाईफाई सिग्नल्स आ रहे हैं जिसको फ़िलहाल मैं स्किप करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आगे क्या है। ये टर्म्स एंड पॉलिसी आ गई जिसको हमें बिना पढ़े एक्चुअली हमें इसको वो करना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, तो मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, मैं आगे देखता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके फाइन, अग्री किया मैं और इसे हम आगे जाते हैं, स्किप करते हैं फ़िलहाल के लिए। इस फ़ोन में एक जो फीचर है जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो कि 13,999 रुपये में इस फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन का फीचर है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि इसमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। तो ये कोई बहुत ड्रॉबैक मुझे लगा नहीं फ़िलहाल के लिए क्योंकि आज के वक्त वैसे भी फेस रिकॉग्निशन का ज़माना है और ज़्यादातर लोग तो फ़िलहाल आज भी देखता हूँ मैं पासकोड यूज़ करते हैं। तो फ़ोन वैसे दिखने में फ्रेंड्स अच्छा है। इसका जो कैमरा है और इसके जो फीचर्स हैं, चलने में ये फ़ोन कैसा है, किस तरह से ये ऑपरेशंस को अपने हैंडल कर रहा है, ये सब मैं आपको अपने डिटेल आर्टिकल में बताऊंगा जो मैं इसका रिव्यू लिखूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा ये पहला वीडियो है तो मैं चाहता हूँ आप मेरा अपना प्यार जो है वो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तो जो हम आने वाले टाइम में जो वीडियोज़ हम बनाएंगे, जो हम रिव्यूज़ करेंगे, जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे, तो वो उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फ्रेंड्स और हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।